एंड वेलकम अगेन टू माय क्लास। डियर फ्रेंड्स, क्या आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको एक बेसिक सा फंडा मिल जाए जिसके थ्रू आप इंग्लिश इजीली बोल सके? जी हाँ फ्रेंड्स, इस टाइप की वीडियो में ले आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है सेंटेंसेस। अब आप मुझे बोलेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो सेंटेंसेस सीखने का क्या मतलब है? डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप सोचिए, सेंटेंसेस होंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, वाक्य होंगे, कुछ शब्द होंगे आपके पास, सभी आप बोल पाएंगे। ओके, तो ये बेसिक है, वो तो आ गया एडवांस। जब आप इंग्लिश में जा रहे हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस के अंदर ही आ जाएगा। पहले उसके लिए आपको सेंटेंसेस को जानना पड़ेगा कि सेंटेंसेस होते क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन। तो एज यू नो कि हमारा टॉपिक सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। अब क्या हुआ कि एक टाइम पहले मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से पूछा, इनफैक्ट उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स थे, तो मैंने उनसे पूछा सेंटेंसेस क्या होता है, तो डायरेक्टली उन्होंने मुझे बोल दिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे? अब देखिए, मैं आपके सामने बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। कैन, डू, वी, इफ, She, for, क्या ये सेंटेंस बना? Is there, no, if, so, क्या ये सेंटेंस है? No. तो ये आपका सबसे बड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन, जो आप सेंटेंसेस को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन दे देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। नहीं फ्रेंड, तो मैं आपको एग्जैक्ट वे बताती हूं। ग्रुप ऑफ वर्ड तो चाहिए चाहिए, प्लस उसका क्या होना जरूरी है, उसका कंप्लीट सेंस देना जरूरी है। अगर वो कंप्लीट सेंस देगा तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज जैसे मैंने आपको ऊट पटांग सी एग्जाम्पल दी, वो वैसा ही कहलाएगा जिस तरीके से आप बोल रहे हो। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, क्या डिफरेंस है उस ग्रुप ऑफ वर्ड की और कंप्लीट सेंस के साथ क्या डिफरेंस है। शी इज माई मदर, ये मेरी मम्मा है। अब देखिए, एक सेंस बनी, एक वर्ड बना, तो क्या है? एक सेंटेंस बना, मीनिंग भी है, सेंस भी है, और उसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई सेंस नहीं था। इसी तरीके से अब मैं आपको एक बोनस टिप बता देती हूं। अगर आपसे कोई बोलता है आर यू गोइंग टू स्कूल, तो अगर आप सिंपली उसको यस भी बोलते हो, दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस, क्योंकि आप उसको एक प्रॉपर वे में दे रहे हो, एक प्रॉपर सेंस के साथ उसका आंसर दे रहे हो, दिस इज सेंटेंस। सेम अगर कोई बोला रिपीट वही, आर यू गोइंग टू स्कूल, यू आर सेइंग नो, दैट मींस वो भी एक कंप्लीट सेंस है, वो भी एक सेंटेंस है। यस और नो भी क्या है? सेंटेंस। दुनिया के ऐसे वर्ड्स जिनको आप कंबाइन करके एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बना सकते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। कोई भी वर्ड जिनसे हमें क्या मिले, कंप्लीट सेंस मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। अब ये तो रहा बेसिक, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे बहुत ही छोटे मोटे से, नन्हे मुन्ने से, प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे देखते हैं क्लास थर्ड या सेकेंड के या फोर्थ क्लास के, उनके लिए मैं एक डेफिनेशन दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज सेंटेंस या डिफाइन सेंटेंस, तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे? द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्या बनाता है, कंप्लीट सेंस दे, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस देते हैं। अब तो ये तो रही डेफिनेशन। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो, जो आने वाली वीडियो है, उसमें मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम सेंटेंसेस का कैसे यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हम कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन भी करेंगे, प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंसेस को फ्रेम करने की। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।